हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आज की वीडियो सेमेस्टर थ्री इनकम टैक्स के लिए है आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है और आप सभी का एग्ज़ाम का डेट शीट फाइनल डेट शीट जैसा कि पहले ही अनाउंस हो गया था जिसके अंदर आपका बीकॉम ऑनर्स का बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों का पेपर जो था चाहे रेगुलर का हो चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस का हो वो दिसंबर में है एंड में और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों का डिफर डिफर डेट शीट था अब सवाल आता है सर बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस नहीं ले रहे यानी स्टडी को सीरियस लेके नहीं चल रहे तो मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा आपके पास अगर दिसंबर 28 मान लेते हैं तो आपके पास बस दिन हालांकि आप गिनोगेगा एक महीना अगर एक महीना मान के आप स्टडी करोगे तो नहीं हो सकता सर आपके पास मैक्सिमम ट्वेंटी डेज हैं और सर ट्वेंटी डेज के अंदर चैप्टर पता ही कितने सारे हैं आप इनकम टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है यूट्यूब पे सैलरी मैंने पूरा करवाया है आपने भी देखा कितने क्लासेस में हुआ एच अभी चल रहा है आपने भी देखा कि क्लासेस चल रही हैं तो इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर जितने भी हैं तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा जितने बच्चे यूट्यूब पे आते हैं या देख रहे हैं सभी सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए यूट्यूब के ऊपर सारा सिलेबस में जैसे जैसे टाइम मिल रहा है एक दिन में दो वीडियो एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं तो एडमिट कार्ड आ चुका है फटाफट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए अपने सेंटर को पहले देख लीजिए कहाँ है नहीं है किस कॉलेज में पढ़ा हुआ है और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये दिन वापस नहीं आएगा फिर एग्जाम सेंटर में आपका वही कहानी रिपीट होने वाला है कि अगले एग्जाम से अच्छे से पढ़ेंगे ये पेपर निकल जाए फिर अगली बार हम शुरू से पढ़ेंगे तो वो शुरू से पढ़ने की नौबत फिर से ना आए मैं आप सभी को बोल दूं कि आप फटाफट से पढ़िए बस आपके पास बचा है ट्वेंटी डेज ढेर सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आ रहा था और बहुत सारे बच्चों का फोन कॉल्स या फिर वॉट्सअप इसके अंदर बोल रहे हैं सर क्लासेस इतनी सारी है हमें ये बता दीजिए कि हम पढ़े कैसे हाउ टू स्टार्ट स्टडी तो मैंने कहा भैया अभी तो आपके पास टाइम है अभी करिए नंबर दो पे आप रेजिडेंशियल स्टेटस कर लीजिए नंबर थ्री पे आप सैलरी कर लीजिए नंबर फोर पे आप एचपी कर लीजिए आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं थ्री पे से करना चाहिए इसको फोर पे इसको नंबर पे सीजी करिए नंबर सिक्स पे आप करिए पीजीबीपी, नंबर सेवन ये सीक्वेंस है इस तरीके से पढ़ना है हमारे एप्लीकेशन पे जो बच्चे लाइव लेते हैं उनकी क्लासेस थोड़ी मैंने बढ़ा दी है और रेगुलर क्लासेस कर दी है अब दो घंटे की डेली क्लासेस हो चुकी चुकी है सो so दैट मैं पंद्रह तारीख तक उनका सिलेबस खत्म करा दूं और मेरी कोशिश रहेगी यूट्यूब पे जितनी जल्दी से जल्दी हो, हो जाए सर उन बच्चों का डाउट या क्वेरी की मैं बात करूं सिंपल सी बात है सर कुछ क्लासेस कम कर दो यानी हमारे पास टाइम कम है आप कुछ ऐसा करिए कि कम वीडियो हो और उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए कम वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए उसमें कवर हो जाए ये था बच्चों का डिमांड मैंने कहा कि ये चीजें YouTube पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि YouTube पे जो बच्चे रेगुलर देखते आ रहे हैं वो तो बोलेंगे सर कम क्यों डाल रहे हो हमारे पास तो टाइम है ये चीजें बस एप्लीकेशन पे पॉसिबल है और एप्लीकेशन पे कैसे पॉसिबल है इसका जो है कि जो वीडियो इंपॉर्टेंट है टॉपिक से रिलेटेड है मैं उस पर स्टार लगा रहा हूँ सो दैट सैलरी की जो तीस क्लास है वो सैलरी चैप्टर की सिर्फ दस क्लासेस के अंदर खत्म हो जाए आठ से दस क्लासेस यानी 50 वो वीडियो जिसके अंदर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरी आदत है कि सारे क्वेश्चन कराए जाए बच्चे बोलते हैं सर आप होमवर्क ही नहीं देते सारा क्वेश्चन खुद ही करा देते हो तो उन वीडियो को मैं रिड्यूस कर दूं तो एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चे लाइव में है वो उनको भी मैं कहूंगा देखते हैं वो भी यूट्यूब चैनल पे कि मैं स्टार वाली वीडियो बहुत जल्दी कल से ही मैं मार्क कर देता हूं और जो बच्चा ज्वाइन होना चाहता है आपको भी पता है बहुत नॉमिनल सफी है और ज्यादा जानकारी के लिए सर जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंडेशन को देखो पहली बात यूट्यूब के ऊपर सर क्लास डलेगी नहीं डलेगी बिल्कुल सारी डलेगी सर यूट्यूब और एप्लीकेशन पे क्या फर्क है मैं फर्क बता देता हूँ यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे क्लासेस का कोई फर्क नहीं है सबसे बड़ा डिफरेंस एप्लीकेशन पे थोड़ी फास्ट चल रहा है सिलेबस यूट्यूब पे उसके बाद डलता है नंबर दो यूट्यूब पे आपको लाइव का ऑप्शन अवेलेबल है एप्लीकेशन पे लाइव सॉरी एप्लीकेशन पे लाइव का है यूट्यूब पे लाइव का अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन पे आपके क्वेरी के लिए अलग से डाउट लिए जाते हैं अलग से टाइम शेड्यूल किया जाता है यूट्यूब पे चैट में जितना हो सकता है हम डाउट क्लियर कर देते हैं लेकिन फिर भी बच्चों का रहता है तो हम इसके ऊपर करते हैं तो मोरल स्टोरी और मोरल कहानी की बात करें तो मैंने लगा दिया सर कितने का कोर्स होगा हमारे लिए यहाँ पे बच्चे बहुत तरीके के हैं किसी के लिए भाई हजार रुपए कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए सौ रुपए बहुत बड़ी बात होती है तो जिस बच्चों को जैसा सुटेबल हो अगर फाइनेंशियल वीक है बच्चा कोई जेनुन प्रॉब्लम है तो बताइए हम उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं उनके लिए मैं स्टैंड हूं मैंने टीम को स्पेशली आज बोल दिया है कि भैया ऐसे बच्चे जो आते हैं उनको आप कंसेशन दीजिए जितना मैक्स टू तो मैक्स हो सकता है नीचे कस्टमर केयर का नंबर और पिंग में भी डाल दिया है कॉल करिए एप्लीकेशन पे प्राइस हालांकि 1250 का है लेकिन मैं आपको कमिट करता हूं मिनिमम आपको, आपको 50 परसेंट का आप बोलेंगे यूट्यूब से देखा तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको तो। बाकी आप टीम से बात करिए वो शायद कोई कूपन उस टाइम पे चल रहा होता है डेली बेसिस पे कूपन वो कूपन आपको प्रोवाइड कर देंगे मैंने स्पेशली बोला भैया जो कूपन आती है पहले यूट्यूब वाले बच्चों को दो उसके बाद फर्दर किसी को देना है आपको तो आप जैसे भी कनेक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा तो यही इंटीमेट करना था और आपको बताना था पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बहुत कम समय बचा है पढ़ने लग जाइए एडमिट कार्ड भी आ गया है तो ठीक है बच्चों आपको समझ में आया होगा होपफुली आप यूट्यूब पे हम मेरी सारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा अगर आपको सारी क्लासेस समझ में आ रहा है तो कमेंट में भी बताइए अच्छा लग रहा है कमेंट में बताइए और जब आप कमेंट में बोलते हैं तो उससे हमें भी पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें और करानी चाहिए जिससे बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए थैंक यू सो मच आप सभी का इतना ज़्यादा यूट्यूब पे प्यार देने के लिए आप सभी ने चैनल जो है बहुत जल्दी टारगेट यही है कि बीस हज़ार भी हो जाएगा आप लोग सभी सपोर्टिव रहे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जैसे अब तक सपोर्ट करते आए हैं यूट्यूब पे और जिस तरीके से आप पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपके सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए बीस दिन में